गंज बासोदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पडरिया की गौशाला सुर्खियों में बनी हुई है। गौशाला में ना तो बिजली है और ना ही गौवंश को ठंड से बचाने के कोई इंतजाम, जिस कारण आए दिन ठंड से गौवंश के मरने की खबर आ रही है। लेकिन गत दो दिन पूर्व उस समय ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया जब एक ही दिन में चार गौ माताओं की ठंड के कारण मरने की खबर मिली। ग्रामीणों ने सरपंच पर गौवंश की हत्या के गंभीर आरोप लगाए। जब इस खबर की जानकारी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीतु माथुर को प्राप्त हुई, तब उन्होंने स्वयं पडरिया की गौशाला का निरीक्षण किया और पाया कि गौशाला के संचालन में ग्राम पंचायत ने लापरवाही की, जिस पर सीईओ मैडम ने पंचायत से संचालन की व्यवस्था छीनकर स्व सहायता समूह को दे दी। साथ ही गौशाला के निरीक्षण में पाया कि निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव समेत इंजीनियर को नोटिस दिया है। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पूरी लाल फिटिंग है, ये पाइप में से कहां की डोरी खींचा, फिर कहां के तार जोड़े, कहां वो लाट कहीं वो कहीं डोरी मोरी जा जल जाए एक दूसरे पर काय। अभी ठंड के मारे पांव अकड़ गए, बैठ कर रह गई। अब ढोल जानवर आ रहे हैं, फिर बेटी भी खड़ी नहीं हो रही, उसकी भी लात धर रही है, गिर रही है, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, अभी पांव बीच पांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।